आज 31 जुलाई 2018। 31 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी आपका जानकार जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी आप इसको शेयर करें। तो चलिए आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ये मेरा मानना है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2 दिवसीय वार्षिक यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन 2018 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। और इस सम्मेलन की एक ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी। इसमें मैं आपको बता दूं इस सम्मेलन में क्या हुआ। इस सम्मेलन यह सम्मेलन जो है हमारा जो तीनों सेना होते हैं उस सेना की जो सर्विसेज होती है और रक्षा मंत्रालय को यह सम्मेलन एक मंच प्रदान करता है। जो भी उनके रिलेटेड मुद्दे होते हैं उसमें इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा जो हमारा पिछले साल का जो भी डिफेंस का स्टॉक है और आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है वो उन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा इस सम्मेलन में जो भी आने वाले समय की चुनौतियां हैं डिफेंस रिलेटेड और जो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मेघालय दूध मिशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है इन्होंने शिलोंग में, और शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ये एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी जिसमें कि राधा मोहन सिंह जो कि माइक के सामने बैठे हैं, यही है राधा मोहन सिंह और ये केंद्रीय मंत्री है। इनके पास जो मंत्रालय है वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। और जो इन्होंने ये मिशन जो लॉन्च किया है, ये मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय सरकार का जो 2022 तक जो किसानों की आय को दुगना करने का जो इनका मिशन है उस मिशन को ये हेल्प करेगा। जिस ये मेघालय में मिल्क व्यवसाय को यहाँ पे ला के इस मिशन को 2022 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है किसानों की आय को इनकम को आय को दुगना करने का उस मिशन को ये हेल्प करेगा। और इस मिशन को जो इन्होंने मेघालय दूध मिशन को जो लॉन्च किया है इसके लिए उन्होंने 215 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट रखा है। और इस मिशन में 2000 फार्मर डेयरी यूनिट होगी जिससे हर फार्मर डेयरी में 5 गाय का प्रोविज़न होगा। उसमें शेड कंस्ट्रक्शन और स्टोरेज रूम होगा, एनिमल इंश्योरेंस रखा जाएगा, मिल्क कूलर होंगे 500 लीटर कैपेसिटी के, उसके अलावा 13 मिल्क टैंकर दिए जाएंगे 3000 लीटर कैपेसिटी के। और उसके अलावा यहाँ पे फार्मर की ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यवसाय देने के लिए मेघालय में ये एक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मेघालय दूध मिशन। बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय का आप मैप देखिए पहले। ये मेघालय आपको एक पूर्वी राज्य है भारत का, और यहाँ की जो राजधानी शिलोंग हम बता ही चुके हैं। यहाँ के फ़िलहाल जो सीएम है वो है कोनाड संगमा, और यहाँ के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद जो गवर्नर है, गवर्नरों को आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नर ज़्यादा हाईलाइट में नहीं रहते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने मिशन सत्यनिष्ठा का शपथ समारोह का आयोजन कहां पर किया? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। इससे पहले इन्होंने 2 दिन पहले इसकी घोषणा की थी और इसका अब जो शपथ समारोह का आयोजन हुआ, और ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में इस शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जो कि ये आपको इस फोटो में नज़र आ रहे होंगे। पीयूष गोयल जो कि फिलहाल रेल मंत्री है, उसके अलावा ये कोयला मंत्रालय भी देखते हैं, और अतिरिक्त भार इनको अब मिला हुआ है वित्त मंत्रालय का, जो कि वित्त मंत्रालय अरुण जेटली देखते थे, वो फिलहाल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी पे है। और इनकी उपस्थिति में इस शपथ समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जो कि अश्वनी लोहानी है उनकी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने इस शपथ समारोह का उद्घाटन किया। और इस शपथ समारोह का जो एम था वो ये था कि जो भी हमारे रेलवे कर्मचारी है 13 लाख रेलवे कर्मचारियों को ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त रूप से कार्य करने के लिए इस प्रेरित करना इस सत्यनिष्ठा मिशन का उद्देश्य रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बन जाता है कि जो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्रथम रेलवे मिनिस्टर थे, रेल मिनिस्टर, उनका नाम क्या था? वो थे जॉन मथाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए।
और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स का जो हमारे ये डेली सीरीज़ है, अगर आपको लगती है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, तो आपको अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न किस राज्य ने 1951 के बाद पहली बार जारी किया है? तो ये किया है असम ने। तो असम के बारे में आपको पहले हम बात कर लेते हैं एनआरसी की। तो ये जो एनआरसी है, ये एनआरसी है क्या? तो 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था, उसके बाद से असम में बांग्लादेशी लोगों का अवैध रूप से घुसपैठ चालू हो गई थी। और क्योंकि असम की जो पश्चिमी जो छोर है, वो पश्चिमी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है, तो वहाँ पे घुसपैठ कर रहे थे बांग्लादेशी अवैध रूप से, जिससे जो कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, और जिससे काफ़ी विवाद हुआ, जिसके चलते एक याचिकाकर्ता की सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने असम की गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि वो एनआरसी रिलीज़ करे दिसंबर 2017 तक। तो उसके लिए अब ये फाइनल इन्होंने एनआरसी रिलीज़ किया है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और जिसमें जो कि आज की ये खबर, कल की खबर है, जिसमें ये चल रहा था कि 40 लाख से ज़्यादा लोग अवैध रूप से पाए गए हैं असम में। तो ये एनआरसी के बारे में आपको जानने को मिलता है। और असम के बारे में बात हुई है, तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की आप यहाँ पे मैप में लोकेशन देख पा रहे हो, ये भी एक पूर्वी राज्य है भारत का। उसकी आप जो पश्चिमी छोर देख रहे होंगे, वो बांग्लादेश से लगता है, यहीं से लोगों का घुसपैठ, बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर पाते हैं यहाँ पे। और असम की जो राजधानी वो है डिसपुर। किसी भी राज्य की राजधानी और उसके जो सीएम हैं और वहाँ के जो गवर्नर, आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। यही बेसिक किसी भी राज्य के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ की जो फिलहाल गवर्नर है जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर पता चल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। और मानव तस्करी जो है, ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन्स, ये यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरी विश्व भर में इसको मनाया जाता है। इसकी जो थीम 30 साल की, रेस्पॉन्ड टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। और एक्चुअली जो मानव तस्करी है, आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊं, ब्रीफ थोड़ा सा सही से बताऊं, तो मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति और उनकी जो अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जागरूकता, प्रचार और उनके अधिकार और उनके जो अधिकार के प्रचार और संरक्षण की जागरूकता के लिए ये मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अभी कल परसों 29 जुलाई था, वो था इंटरनेशनल टाइगर डे, और इसी में 18 जुलाई जो कि नेशनल मंडेला डे के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इस महीने के काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन जब इस दिन को सेलिब्रेट करता है पूरी दुनिया में, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड एंटोनियो जो ग्वेटरस, इसके सेक्रेटरी जनरल है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर पता चल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक के प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है HDFC बैंक को। तो ये जो फोटो आपको नज़र आ रही होगी, ये यूपी इन्वेस्टर समिट अभी हुई थी, तो उसी में, उसी दौरान ये HDFC बैंक के कर्मचारी को ये अवार्ड प्रदान किया गया। और मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक को ये सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार तो मिला है। तो ये इन्होंने ऐसा कौन सी कैटेगरी में या किस क्षेत्र में ऐसा इन्होंने काम किया जो इनको सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिल गया? तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के में एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम चालू की गई थी, जिसके तहत HDFC बैंक ने, जो हमारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं, कमज़ोर वर्ग है और कम आय वर्ग और मध्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको इन्होंने सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। इसी वजह से इनको सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही, या आपको लगा कि अगर ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको काम आ सकती है, आपको चैनल अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और HDFC बैंक के बारे में कुछ बेसिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इसके CEO है आदित्य पुरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में
और इसकी जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। किसी भी बैंक की टैगलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी पूछ ली जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसकी आदित्य पुरी जो है सीईओ की आप फोटो दे सकते हो। एसएसबीसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है सुरेंद्र रूषा, इनकी फोटो देख सकते हो आप। ये पहले ही इस बैंक के निचले स्तर पे एक निचले पद पे काम कर रहे थे, अब इनको सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है इस बैंक का। और एचएसबीसी की आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जानकारी के लिए कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और बैंकिंग की क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। और इसकी जो 80 कंट्रीज 80 देशों में इसकी 7,000 7,500 ऑफिस है इसके। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि इंग्लैंड यूके के नाम यूके में पड़ता है। और सीईओ है एंटोनियो साइमोज, और इसका जो टैगलाइन है द वर्ल्ड लोकल बैंक। तो इतना कुछ आपको ज़रूर पता चलता है इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल एनर्जी कैटेगरी में इंफ्रा आइकॉन अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है ONGC को। तो ONGC के बारे में ये कुछ बेसिक जरूर पता होना चाहिए आपको। न्यू दिल्ली सीईओ हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और सीईओ जो है इसके शशि कुमार शंकर है, और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन। और ये जो अवार्ड है ये बेस्ट काफ़ी प्रसिद्ध कॉरपोरेटिव अवार्ड है। ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और ग्लोबल एनर्जी जैसे कि कैटेगरी है, तो इन्होंने क्या किया कि ONGC ने जो कि प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है 2022 तक 10% हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट में कमी लानी है, तो उस दिशा में इन्होंने काम किया है। और कार्बन का जो जो कार्बन जो आजकल इशू बना हुआ है, कार्बन के कम होना चाहिए, कार्बन पोल्यूशन कम होना चाहिए, तो उस दिशा में भी ONGC ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यासुर दोगा इंटरनेशनल तुर्की में किसने रेसलिंग में अपना लगातार दूसरा इंटरनेशनल गोल्ड जीता है? तो जीता है बजरंग पुनिया ने। इनकी आप एक फ़ोटो ये देख रहे होंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये हुआ है तुर्की में। तो तुर्की में जो आप लोकेशन देख सकते हो इसकी ग्लोबल मैप में तुर्की की, और उसके अलावा यहाँ की जो राजधानी अंकारा तुर्की की, और इसकी जो प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्डोगन, यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो किसी भी देश के आपको कैपिटल और वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी करेंसी ज़रूर पता होना चाहिए, और इसकी करेंसी है लीरा। और यहाँ पे जब दूसरा इन्होंने लगातार इंटरनेशनल गोल्ड जीता है, जिनकी हम बात कर रहे हैं बजरंग पुनिया की, तो इन्होंने पहला कहाँ पर जीता? पहला इन्होंने अभी इसी महीने में हुआ था जॉर्जिया में तिबलिस ग्रैंड प्रिक्स, उसमें इन्होंने ये गोल्ड जीता था। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूके फ्रांस चैनल में तैराकी करने वाले पहले एशियन किशोर कौन बने? ये बने हैं प्रभात कोहली। इनकी आखिर फ़ोटो देख सकते हो। इन्होंने 25 किलोमीटर की जो ये तैराकी थी, इन्होंने 6 मिनट कुछ मिनटों में इसको पूरा किया है, और ये पहले एशियन टीनेज बन गए हैं ऐसा पकड़ने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन बागान रत्ना अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है प्रदीप चौधरी को। ये इसका आप ये लोगो देख सकते हो। और मोहन बागान जो है ये एक कोलकाता का बहुत ही पुराना फुटबॉल क्लब है, और प्रदीप चौधरी को इन्होंने ये हर साल ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन्होंने प्रदीप चौधरी को ये अवार्ड दिया है। ये 18वें खिलाड़ी है जो इनको ये अवार्ड मिला है। इस मोहन बागान रत्ना हाईली कह सकते हो कि ऑनर्ड हाईली ऑनर्ड अवार्ड है इस क्लब का ये, और ये कप्तान भी रह चुके हैं इसी क्लब के। और इस क्लब ये क्लब काफ़ी कह सकते हो कि कामयाब रहा है, ये फुटबॉल क्लब जो कोलकाता का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में डॉक्टरों की टीम ने किस दुर्लभ ब्लड बैंक समूह की पहचान की है? तो ये किया इन्होंने पीनल की। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के रक्त बैंक की डॉक्टरों की टीम ने पीपी नल या पी नल फेनोटाइप नामक एक दुर्लभ रक्त समूह की पहचान की है, और ये प्रति 1000 व्यक्ति में एक पाया जाने वाला एक प्रकार का दुर्लभ रक्त समूह है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसकी खोज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये आ सकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में डॉक्टरों की टीम ने किस दुर्लभ ब्लड समूह का पहचान किया। तो ये किया इन्होंने पी नल की। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा। तो
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना आपको, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबानी है। बिना बेल आइकन आपको हमारे ये डेली जो डाले हम वीडियो डालते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और लाइक भी जरूर करना, लाइक करोगे तभी हम पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी। और कमेंट्स जरूर करें, ज़रूर करें कमेंट्स जो भी आपको इसमें अच्छा लगे या ना लगे। और शेयर भी करें, क्योंकि अगर आपके लायक ये वीडियो नहीं है, जो भी अगर कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो उसके लायक ये वीडियो है तो उसको शेयर जरूर करें।